भाव लहरों के खाओ, साधु संत फकीर वही जो जिसकी बहती नाओ, अपने घाव लगावे ऐसा जिसका तोड़ न कोई, अपने साथ चले तो लागे अगला मोड़ न कोई। पलकों के दरीचे से झांकते सपने हैं, पलकों के दरीचे से झांकते सपने खाक हो भी जाए तो फिर भी इसरा क्या हुआ, सब ठीक है? इसरा तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? कैसे बातें कर रही हैं भाभी? अगर मेरी जगह कोई और होती ना तो तुम्हारे सामने किसी और को ला खड़ा करती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इंतजार किया है। आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप प्रेग्नेंट नहीं है जी। भाभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बताएं अम्मी ने आपसे कोई ऐसी बात की है? हाँ, अम्मी मेरी और नॉलेज की शादी करवाना चाहती है। देखो इसरा, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम प्रेग्नेंट हो। नॉलेज निकल जाओ तुम यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है तुमने। नरेश प्लीज ऐसा मत करो, मेरा जीना मरना इसी घर में, प्लीज मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। नरेश मैं मजबूर थी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, प्लीज नरेश। तुम रहम के काबिल ही नहीं हो, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने, हमारी इज्जत खाक में मिला दी इसने। बांझ हो तुम, बांझ। ले जाए अपनी बेटी को यहाँ से, अब ये तलाक का दाग अपने घर लेकर जाएगी, तब ये जानेगी कि मुआशरा इसके साथ क्या सलूक करता है। दो दिन के बाद फातिमा और नरेश का निकाह बहुत धूमधाम के साथ होगा। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे, अम्मी प्लीज मेरा घर टूटने से बचा ले, अम्मी प्लीज, अम्मी मैं ये सह नहीं पाऊंगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नरेश मैं तुम्हारी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो नरेश, प्लीज नरेश। इसरा मेरी जान क्या हुआ? बहुत बहुत बुरा ख्वाब देखा नरेश, बहुत बुरा। अच्छा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सब ठीक है। क्या हुआ बेटा? हाँ ये लो पानी पियो। बेटा प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है, घबराने की बात नहीं। Feeling better? पता है जो तुम लोग टाइम पे नहीं ना सोते सब इसकी वजह से है। अपनी नींद पूरी रखो बेटा, फातिमा ने नीचे तुम्हारे लिए जूस बनवाया है, और अब तो बेटा अब तुम्हें अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखना चाहिए, ठीक है? तैयार हो और जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके चलो शाबाश। इसरा मैं तुम्हारे स्कूल फोन कर देता हूँ, आज छुट्टी कर लो। नहीं कर सकती नरेश, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी सेहत से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मुझे मालूम है नरेश, मुझे क्या पता था कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसी हालत में तुम्हारा काम करना मुनासिब नहीं है, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ इसीलिए मना करता हूँ। मैं जानती हूँ मेरी केयर करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं,
वरना आप इतना इंतजार ना करते और आप भी दूसरे मर्दों की तरह एक पांच औरत को छोड़ने में देर ना करते। इसरा मैं तुम्हें एक बात बताऊं? कहिए। तुमसे झूठ नहीं कहा था कि हमारे यहां औलाद ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ खुश था लेकिन अब लेकिन क्या हुआ नरेश? बहुत मुख्तलिफ फीलिंग है। मुझे लगता है इस नए रिश्ते के आगाज से हर रोज नई मोहब्बत जन्म लेगी। मुझे अब पहले से ज्यादा पुरकशिश लगने लगी हो। इस कैफियत के बाद अब तुम्हारी क्या फीलिंग है? मां बनने के एहसास ने जैसे मेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया नरेश। सब कुछ तो मिल गया मुझे, और क्या चाहिए? इतनी खुशियों में जिंदगी जैसे खुशियों से भर गई है। इसरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा नया रूप। मैं आपकी आंखों में देख सकती हूँ कि आप मेरी कितनी केयर करने लगे। यही सच है। नरेश, मुझे लगता था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। इसरा, मैं कभी खुदा की रहमत से मायूस नहीं था। औलाद वाकई मियां बीवी के रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। लोग कहते तो मुझे यकीन ही नहीं आता था। इतने इंतजार के बाद खुदा ने इतनी रहमत की है, मेरे पास तो शुक्राने के लफ्ज भी नहीं है। लफ्ज तो है मगर हक अदा नहीं किया जा सकता। इस रब डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। क्या? उठाना होता है। जेमी, कुछ नहीं, तुम किचन में काम करो, मैं देख लूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ, इसरा मैडम से बात करनी है। कोई मसला है क्या? मैं उसकी अम्मी बोल रही हूँ, आप मुझे बता सकती हैं? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं। दरअसल वो अपनी रिपोर्ट्स यहाँ भूल गई थी, उसी का बताना था। अच्छा अच्छा, मैं उसको बता दूंगी, वो आज किसी भी वक्त कलेक्ट कर लेगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग माय सन। अम्मी, थोड़ी देर बाद इसरा को जाके देख लीजिएगा, अगर उसकी तबीयत ठीक ना होगी तो स्कूल नहीं जाने देना, थोड़ा आराम कर ले। हाँ ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं देख लूंगी उसको। नौरोज, बैठ कर आराम से नाश्ता करो। अम्मी जल्दी है, देर हो रही है। अच्छा, वो जाते हुए क्लिनिक से भी होते जाना। क्यों? क्लिनिक से फोन आया था कि इसरा अपनी रिपोर्ट से भूल गई है, तुम जाते हुए कलेक्ट कर लेना। ओह, ओके, अल्लाह हाफिज़।
जागते सपने हैं, खाक हो भी जाए तो फिर भी अपने 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 अपने। इस तरह आओ चाय पी लो। भाभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं नरेश से झूठ बोलकर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूं। हम इस झूठ को कैसे छुपाएंगे? क्या करें इस तरह, कुछ महीने हमें इसी तरह गुजारने होंगे। इतने अरसे में मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करूंगी। और फिर मैं जैस्मिन को लेकर चली जाऊंगी यहां से, कोई भी हमें ढूंढ ना सके। धुआं लाग तो तब लगेगी जब मैं यहां रह जाऊंगी, वहां हम सबको जला देगी, मुझे तुम्हें और नोरेस को, हम सबको। नारेज तुम नहीं जानते कि मैं सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में कर रही हूं। मैं तुम्हें खोने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। मैंने भी हर औरत की तरह अपने सारे ख्वाब तुम ही से वाबस्ता किए। मेरे रोम रोम में तुम ही बसे हो। मैं चाहूं भी तो तुम्हारे हसार से नहीं निकल सकती और अपनी तुम्हारी मोहब्बत में किसी और को शरीक नहीं कर सकती। यस्मीन खाना खा लो, पसंद है ना आपको? अरे तुम कहाँ चली गई थी? एक निवाला ली और गायब हो गई। इसरा कहाँ पर है? आ रही अम्मी। अरे मेरा बच्चा, मेरी जैस्मिन को पसंद है ना? खाओ शाबाश खाओ। अरे बैठो बेटा, तुम कुछ खाया पिया करो। तुम्हें पता है अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक जान और पल रही है। ठहरो, मैं तुम्हें ना टोस्ट पे बटर लगा के देती हूँ, बहुत अच्छा तुम्हारे लिए। इस तरह आंटी मोटी हो जाएगी, आंटी का पेट भी मोटा हो जाएगा। अरे अरे तो फिर क्या हुआ, मोटी हो गई तो जलने वालों का मुंह काला होगा। बस एक दफा ये रिपोर्ट मेरे हाथ आ जाए, फिर सिमरत को बताऊंगी कि यहाँ वहां बैठ कर लोगों के खिलाफ बातें करने का।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरी वाइफ कुछ रिपोर्ट्स भूल गई थी कल यहाँ पे। नाम बता सकते हैं उनका? इसरा नॉरेज। क्या करोगी अब तुम? वहाँ जाऊंगी। स्कूल जाने से पहले रिपोर्ट्स लेना बहुत जरूरी है। नॉरेज ने तो रिपोर्ट ले भी ली होगी, अब घर बैठकर इंतजार तो नहीं कर सकती ना। इसरा बेटा, क्या तुम अचानक उठ के चल पड़ी हो? ऐसी हालत में अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसरा मुझे कॉल करना। अच्छा। क्यों कॉल कर लेना? ऐसे अपनी तबीयत बता दे, मुझे फिक्र रहेगी ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये इसरा नॉरेज की रिपोर्ट्स नहीं मिल रही, वो किधर रखी हैं आपने? ओके ओके। रिपोर्ट तो अभी डॉक्टर के पास है और वो ऑपरेशन थिएटर में, आप चाहे तो इधर वेट कर सकते हैं उनका। कितना इंतज़ार करना होगा? आधा घंटा या कुछ इससे ज़्यादा। ठीक हूँ, मुझे जाने। परेशानियों को दूर कर, रहम कर हम पर।
मामा वो दर्द हो रही है। एक तो तुम हर वक्त बोलती रहती हो, शोर मत करो, मैं वैसे ही डिस्टर्ब हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। फातिमा ये क्या हो रहा है, सुबह से तुम ऐसी हो। कुछ नहीं अम्मी। कहीं तुम मेरी उस दिन वाली बात लेकर तो परेशान नहीं हो रही? किस दिन की बात, कौन सी बात? वही नौरेस वाली बात, अब मैं बच्ची के सामने क्या जिक्र करूं? वैसे तो तुम जानती भी हो और मेरे हाल समझ भी गई हो। तो क्या ये बात मुझे डिस्टर्ब नहीं करी? तो बच्ची पे इसका गुस्सा क्यों निकाल रही हो? तो किस पे निकालूं? देखो फातिमा, इस बात को भूल जाओ। तुम्हारी हैसियत इस घर में पहले भी बड़ी बहू की थी, है और हमेशा रहेगी। और अब तो खैर से इसरा भी मां बनने वाली है। जी देखो अपना मूड ठीक करो, इस समय पूरे घर का माहौल खराब हो रहा है। जी अच्छा चलो, स्कूल से देर हो रही है, दादू को खुदाफिस बोलो। शाबाश मेरा बच्चों। जैस्मिन स्कूल जा रहे हो? मेरी जान अपना ध्यान रखना। अच्छा अल्लाह हाफिज। आजकल की लड़कियां हर वक्त ही डिस्टर्ब रहती हैं। पता नहीं अल्लाह का दिया सब कुछ इस घर में है, लेकिन शुक्र अदाई नहीं करती। क्या चाहती हैं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। पता नहीं उस मासूम सी बच्ची के साथ क्या क्या जुल्म हुए होंगे, अब तो वो बोल भी नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अपनी जुबान बंद रखो। मम्मा भी स्कूल का टाइम नहीं हुआ है, हम जल्दी क्यों जा रहे हैं? तुम आज सुबह से मुझे तंग कर रही हो, प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं। डॉक्टर नरेश, इसको जरा डायपर तो बांधिए। ये कौन सा मुश्किल काम है, अभी देखो। एहसास के धागे में परोए सब रिश्ते हैं, मेहरबान कुदरत है रूहों के जहाँ सारे के रखने। हाँ इसरा, क्या हुआ, क्या बना? कुछ भी नहीं भाभी। मतलब नॉरिस ने रिपोर्ट्स ले ली और देख ली? नहीं, वो अपने बैग में लेकर चला गया, अभी तो नहीं देखी लेकिन बाद में जरूर देखेगा। तुम उसके पीछे क्यों नहीं चली जाती? पीछे तो मैं आ गई हूँ भाभी, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अंदर जाऊं। मैं नरेश को क्या बताऊंगी कि मैं क्यों आई हूं? तुम एक काम करो, अभी वापस आ जाओ, फिर हम कोई तरकीब सोचते हैं कि वो रिपोर्ट्स हम तक कैसे पहुंचे। अच्छा ठीक है, मैं वापस आ रही हूं। अम्मी क्या बताऊं आपको, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ भी। वो तो जिद में ही आ गई और कहने लगी कि मैं खुद चली जाऊंगी। एक आदमी ने उसको ऑफर भी किया कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, फिर कहती कि सामने क्लिनिक तक तो जाना है, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे लगता है कि वो कुछ छुपाना चाह रही थी। अम्मी कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इतने अरसे के बाद प्रेग्नेंट हुई है, हरकतें तो देखो, लगता है पागल हो गई है। मैं तो लिख कर दे सकती हूँ,
अगर कुछ हो गया तो शहनाज आंटी इसरा को कभी नहीं छोड़ेंगी। ऐसा हशर करेंगी ना उसका कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी और कोई इसरा को बचाने वाला भी नहीं होगा। हाँ ये तो है। इसे शाम को चाय की दावत पर बुलाते हैं और पता करते हैं हुआ क्या है। इतने इंतजार के बाद खुशखबरी मिली है। ये बच्चा इनके लिए बहुत कीमती है। क्या करेंगे आप? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बैग से रिपोर्ट चुराना होगी। अभी तुम टेंशन ना लो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। और हो सकता है रात को वो बैग घर ही ले आए, फिर तो मसला नहीं होगा ना। इसरा बेटा खैर तो है ना? वो एक्चुअली अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए जल्दी आ गई। मैं सुबह से ही जानती थी। तुम्हें तो नरेश ने भी कहा था कि तुम रेस्ट कर लो, लेकिन तुम तो किसी की सुनती नहीं हो। वैसे आज तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। अगर तुमने तो अपनी मर्जी करनी होती है ना। ये देखो मैंने बेबी के लिए स्वेटर शुरू किया है, कैसा लग रहा है? अम्मी आपको नहीं लगता इन सब बातों के लिए बहुत जल्दी है? खाली झूला झुलाना नहुसत होती है। तुम कैसी पूरी बातें कर रही हो? इसरा तुम मुझे इस तरह घर से जाने को क्यों कह रही हो? मुझे कहाँ जाना है और क्यों? देखो इस वक्त ये सवाल करने का वक्त नहीं है, प्लीज तुम सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मगर तुम मुझे कुछ समझाओगी तो मैं समझूंगी ना। देखो जैनब तुम्हें मार्केट नहीं हॉस्पिटल जाना है। जरा जैस्मिन के लिए नूडल्स तो बना दें। जी अभी बना के ला। इसरा अपने आप को संभालो, प्रेग्नेंट औरतें ऐसी हरकतें नहीं करती। तुम्हें कुछ शक हो जाएगा। मैं
उठ भी जाओ यार, कब से टहल रही हो तुम? वो मैं नौरेज का इंतजार कर रही हूँ। पागल, नौरेज भाई कोई पहली दफा घर थोड़ी आ रहे हैं, और अब तो उनकी बारी है कि वो तुम्हारा इस तरह से इंतजार करें। हाँ बहुत मिस कर रही थी। वो बैग गाड़ी में रह गया, मैं निकाल लूँ? यार बैग ऑफिस में ही रह। मैं कोई मदद करूं? मैंने सोचा मैं भी आप दोनों की कोई मदद कर दूं, लेकिन आप दोनों मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? यूं ही जैनब? जी नरेश भाई। कहाँ जा रही हो, खाना खा के जाना? अब हाँ जी, वो घर जा रही है, घर जाकर खा लेगी। तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। हाँ जी मैं। नहीं नरेश, जैनब खुद चली जाएगी, ये कौन सी बच्ची है। आप जाए जाकर खाना खाएं, ठंडा हो रहा है, और वैसे भी जैनब के पास अपनी गाड़ी है, मगर ध्यान से जाना। आर यू श्योर? जी चल। इसरा, तुम मुझे इस तरह घर से जाने को क्यों कह रही हो? मुझे कहाँ जाना है और क्यों? देखो इस वक्त ये सवाल करने का वक्त नहीं है, प्लीज तुम सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मगर तुम मुझे कुछ समझाओगी तो मैं समझूंगी ना। देखो जैनब, तुम्हें मार्केट नहीं हॉस्पिटल जाना है। वहां नरेश अपने बैग में एक लिफाफा छोड़ आए हैं। लिफाफा? लेकिन लिफाफे में क्या है? देखो जैनब, तुम मेरी बहन हो ना, और मैं तुम्हारे अलावा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती, और ना ही कोई और आएगा इस वक्त मेरी मदद करेगा। जैनब सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरी इस मुश्किल में मेरा साथ दे सकती हो। वो तो ठीक है इसरा, लेकिन 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 कुछ नहीं जैनब, तुम्हें जो कहा है वही करो प्लीज। अच्छा यार, मगर मैं वहां अंदर कैसे जाऊंगी? क्या मतलब अंदर कैसे जाओगी? सब जानते हैं कि तुम डॉक्टर जाहिर की बेटी हो, तुम्हें किसने रोकना है? इसरा, क्या तुम्हें लगता है कि जैनब ये काम कर सकेगी?
हाँ इंशाल्लाह, और कोई रास्ते भी तो नहीं है हमारे पास। और ऐसे इस वक्त ज़ैनब का यहाँ आना कहे भी मदद नहीं तो और क्या है भाभी। हाँ वाकई शायद अल्लाह हमें इस मुसीबत से निकालना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये अचानक जाना मुनासिब नहीं है, कम से कम पहले इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना। एक घर वाली बात है, इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है, बल्कि केक भी वहीं बच्चों के साथ खा लेंगे। लेट्स गो। आप भी ना कमाल करते हैं, अभी तो बाहर से आए और फिर चल पड़े। अब तुम तैयार होना ना बैठ जाओ प्लीज, इसी तरह चलो बहुत प्यारी लग रही। अच्छा बड़ी बात है, आज तो बड़ी तारीफ हो रही है। मेरी मजबूरी है हमारी, बीवी की खुशी में मेरी खुशी है और आफियत। अब चलो चलो देखने का। अच्छा बातें ना बना। आ जाओ आ जाओ। ख्याल कि वो रिपोर्ट्स ले सकी है, अब क्या होगा भाभी? ज्यादा से ज्यादा आज तक के लिए, कल सबको पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। एक झूठ की वजह से हम बहुत बड़े मसलों में फंस जाएंगे। नरेश, नरेश, क्या हुआ मम्मी? नरेश हम बर्बाद हो गए हैं। कल रात सब कितने परेशान थे, तुमने देखा नहीं? ओहो, मैं कह रही हूं ना कि बच्चा ठीक है, आप लोग सब मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? जान मैंने कहा ना, बच्चा हम सब के लिए बहुत जरूरी है, हम सब इसी खुशी का इंतजार कर रहे हैं। बस तुम नहीं चाहती मैं अपने बच्चे को देखूं? नरेश, मैं